दोस्तों, आज की ये कहानी हमें फिर से एक साधक ने भेजी है, जिन्होंने पहले भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर किया है। और मैंने आपसे कहा भी था कि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उनसे और भी अनुभव पूछूंगा। और फाइनली उन्होंने फिर से एक और कहानी मुझे भेजी है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं के नज़रिए से सुनाऊंगा। शमशान दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है जागृत शमशान और दूसरा होता है सुप्त शमशान। जागृत शमशान वो होते हैं जिनमें भूत प्रेत पहले से ही जागृत होते हैं और वो लोगों को दिखाई देते हैं और उनको परेशान भी करते रहते हैं। इसी तरह सुप्त शमशान में सब शांत होते हैं और वो हिंसक नहीं होते। शमशान साधना कई तरह से की जाती है। इस साधना का मूल रहस्य तो वही साधक समझ सकता है जो इसकी जानकारी रखता हो या फिर उसने शमशान साधना की हो। तो आज मैं आपको जिस साधना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली होता है, और उस साधना का नाम है तेलिया मसान साधना। इसकी मदद से साधक किसी भी चीज़ की पूर्ति कभी भी कहीं भी पल भर में कर सकता है। मानना है कि इसके साधक के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। जैसा कि मैंने सूरज भाई के साथ अपना और भी अनुभव शेयर किया है, और आप लोगों को तो पता ही है कि मैं एक साधक हूँ और मैंने अपने गुरु के साथ रहकर कई सारी साधनाएं की हैं, और उन्हीं साधना में से एक है तेलिया मसान, जिसका अनुभव आज मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो ये बात आज से लगभग 25 साल पहले की है। तब हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों की कमी नहीं थी और तमाम इलाके शाम से पहले ही वीरान हो जाते थे, और शाम हुई नहीं कि सियारों के बोलने की आवाज़ आम बात थी। तब हमारे गांव में एक बहुत बड़ी शमशान भूमि थी जहां मैंने अपने गुरु के साथ रहकर कई सारी साधनाएं और विद्या प्राप्त की, और आज भी वो शमशान है। दोपहर के बाद भी लोग इसके आसपास से गुजरना नहीं चाहते थे क्योंकि शमशान नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे गुरु के मरने के बाद मैंने एक प्रेतनी को सिद्ध किया था और वो मेरी हर चीज़ों में मदद किया करती थी। लेकिन इस संसार में हर चीज़ की कोई ना कोई सीमा होती है। इसी तरह जब एक दिन मैं शमशान में ध्यान मग्न होकर बैठा था, तभी मेरे पास एक जमींदार आया और उसने रोते हुए कहा, महाराज मेरी मदद करिए। तो मैंने कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों इतना परेशान है तू? तो उसने पहले तो इधर उधर देखा और फिर शांत होकर मुझसे कहा, गुरुदेव मैं एक जमींदार हूँ और मेरे पूर्वजों ने पुश्तैनी धन हमारे घर के पीछे एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे दफना रखा है, और मैं उस धन को निकालना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी प्रयास किया लेकिन न जाने कोई अनजान शक्ति उस धन को निकालने नहीं देती, क्योंकि मेरे जितने भी मजदूर उस बरगद के पेड़ को काटने जाते हैं तो उसमें से खून निकलता है, और थोड़ी देर के बाद ही मेरे सारे मजदूर खून की उल्टी करके मर जाते हैं। गुरुदेव आप ही बताइए, वो मेरे पुरखों का खजाना है तो मैं ही उनका वंशज हूँ और उस खजाने पर मेरा पूरा अधिकार है, लेकिन मैं चाहकर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। इसी वजह से मैं आपके पास आया हूँ। मैं उसकी बातें शांत होकर सुनता रहा। फिर मैंने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुश्तैनी धन तुम्हें अवश्य मिलेगा। इतना कहकर वो जमींदार मेरे पैर पकड़कर मुझे धन्यवाद करने लगा और कहने लगा, महाराज मेरा ये धन मुझे कब तक मिल जाएगा? तो मैंने कहा, कल तुम्हें तुम्हारा पुश्तैनी धन मिल जाएगा, जाओ अभी। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ और अपने घर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने उस प्रेतनी को बुलाया जिसको मैंने सिद्ध किया था, और उसे वो धन लाने को कहा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो प्रेतनी वापस आई तो वो बुरी तरह से घायल थी। उसे देखकर मैं हैरान हो गया और मैंने पूछा, रमा ये तुम्हें क्या हो गया? दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि प्रेतनी का नाम रमा क्यों है तो आप मेरी पिछली कहानी सुनकर समझ जाओगे, जिस कहानी का नाम है प्रेतनी और साधक की प्रेम कहानी।
फिर रमा ने मुझे बताया कि उस बरगद के पेड़ पर एक इफ्रित जिन्न रहता है जो कि मुझसे कई गुना शक्तिशाली है, और जैसे ही मैं उस पेड़ के पास पहुंची तभी उस जिन्न ने मुझे उठा उठा कर पटका और मैं उसका कुछ नहीं कर पाई। और जब उस प्रेतनी ने जिन्न से पूछा कि आखिर तुम क्यों इस धन की रक्षा कर रहे हो, तो इफ्रित ने बताया कि मुझे एक तांत्रिक ने कई सौ साल पहले इस धन की रक्षा करने के लिए मुझे इस पेड़ पर बांध दिया, और वो कोई और नहीं बल्कि उसी जमींदार के पूर्वजों ने उस तांत्रिक से कहकर करवाया था, और तब से लेकर आज तक मैं उस धन की रक्षा कर रहा हूँ, और मेरे होते हुए कोई भी इस धन का एक सिक्का भी नहीं ले जा सकता। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। फिर मैंने मन में सोचा कि जमींदार से किया हुआ वादा अगर मैंने नहीं निभाया तो मेरा बहुत अपमान होगा। मैं आपको बता दूं कि एक अघोरी के लिए उसका सम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और वो अपने सम्मान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो बस मैंने भी ठान लिया था कि मुझे अब उस धन को निकालना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद मैं ध्यानमग्न होकर अपने गुरुदेव को याद करने लगा और उनसे इस समस्या का हल पूछने लगा। तो मेरे गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें उस जिन्न को हराने के लिए एक शक्तिशाली साधना करनी होगी। तो मैंने कहा, गुरुदेव आप ही मुझे मार्गदर्शन दिखाएं कि ऐसी कौन सी साधना है जिसे सिद्ध करने के बाद मैं उस जिन्न को हरा सकूं। तो मेरे गुरुदेव ने कहा, बेटा याद करो तेलिया मसान के बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो मैंने कहा, हाँ गुरुदेव मुझे अच्छे से याद है। तो बस तुम्हें उसी तेलिया मसान को सिद्ध करना होगा, क्योंकि वही एक ऐसी साधना है जो इस जिन्न को हरा सकती है। इसके बाद मैंने अपनी आँखें खोली और अब मैं समझ चुका था कि मुझे अब आगे क्या करना है। दूसरे दिन फिर वही जमींदार मेरे पास आया तो मैंने उससे कहा, बेटा तू चिंता मत कर, तेरा ये पुस्तैनी धन मैं तुझे वापस जरूर दिला दूंगा, बस तुझे कुछ दिन इंतज़ार करना होगा, क्योंकि तेरे पुस्तैनी धन की रक्षा एक इफ्रित जिन्न कर रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, और उस जिन्न को तेरे ही पूर्वजों ने लगवाया है ताकि कोई भी उस धन का इस्तेमाल ना कर सके। ये बात सुनकर जमींदार हैरान हो जाता है और कहता है, गुरुदेव आपको जितना भी वक्त लेना है आप ले लीजिए, बस आप मुझे मेरा पुस्तैनी धन किसी भी तरह करके वापस दिला दीजिए। मैंने कहा, बस कुछ ही दिनों की बात है तो चिंता मत कर, तेरा धन तुझे वापस जरूर मिलेगा। इसके बाद जमींदार निश्चिंत होकर अपने घर वापस चला गया। दोस्तों अब बात आती है कि तेलिया मसान क्या होता है और इसको कैसे करते हैं। तो तेलिया मसान करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इंसानी खोपड़ी, और वो खोपड़ी किसी तेली की होनी चाहिए, तभी ये साधना सफल होती है। और आज से ठीक 5 दिन बाद अमावस थी, और तेलिया मसान करने के लिए सबसे अच्छा दिन अमावस होता है, लेकिन अब मुझे चाहिए थी तो किसी तेली की खोपड़ी, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या थी। फिर उसी दिन शाम को मैं गांव में टहलने के लिए निकला, तो गांव में किसी बात को लेकर चर्चा चल रही थी। तो मैंने सुना कि उसी गांव के एक बूढ़े किसान की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और वो कुछ ही दिनों में मरने वाला है। अब आप ये भाग्य विधाता का आशीर्वाद समझें या कुछ और, क्योंकि जो बूढ़ा किसान कुछ ही दिनों में मरने वाला था वो भी जात का तेली था। और मैं आपको बता दूं कि तेलिया मसान तभी सफल हो सकता है जब कोई तेली अपने आप मरे, ना कि तेलिया मसान करने के लिए किसी तेली को जानबूझकर मारकर उसकी खोपड़ी प्राप्त करके तेलिया मसान करें। अगर आपने ऐसा किया तो तेलिया मसान विफल हो जाएगा और आप दिमागी रूप से पागल भी हो जाएंगे। और ठीक 2 दिन के बाद उस किसान की मौत हो जाती है और लोग उसे उसी शमशान में जलाने ले जाते हैं। जब उसके परिवार वाले उसकी लाश को जलाकर शमशान से चले जाते हैं, तब मैं उसके चिता के पास जाकर उसकी खोपड़ी को निकाल लेता हूँ। मैंने ऊपर वाले का धन्यवाद किया क्योंकि उन्हीं की मर्जी से मुझे ये खोपड़ी मिली ताकि मैं उस साधना को पूरा कर सकूँ। इसके बाद तेलिया मसान में लगने वाली सारी सामग्रियों को मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया
और आज से ठीक 3 दिन बाद अमावस की रात थी। अब अमावस की रात आई तो मैं साधना करने रात 12 बजे शमशान में बैठ चुका था। मैंने उस कपाल को एक लाल कपड़े में लपेटा हुआ था। अमावस की काली रात और शमशान में कुत्तों और सियारों की आवाज़ रह रहकर कुछ इस तरह से गूंज रही थी कि दिल दहल जाए। शमशान साधना में तो बड़े बड़े साधक थरथरा उठते हैं और पत्थर से पत्थर दिल भी दहल जाते हैं। उसी चिता के पास मैंने एक चौकी रखी और उस पर काला कपड़ा बिछाया, साथ ही मैं भी काला आसन बिछाकर बैठ गया। अब तेलिया मसान करने के लिए उसमें लगने वाली सारी सामग्री मैंने एक जगह रख दी। देसी दारू, सिगरेट, मांस, 2 लौंग, लड्डू, बतासा, जायफल और पान का पत्ता, और साथ ही मुझे ये साधना दक्षिण दिशा में बैठकर करनी थी। फिर मैंने चौकी पर सरसों के तेल का दिया जलाया और कपाल को लोहबान की धुनी दी। इसके बाद सबसे ज़रूरी काम ये करना था कि मुझे एक बड़े से कटोरे में उस कपाल को रख कर उसको दारू से भरना था। दारू इतना भरना था कि वो कपाल पूरी तरह से उसमें डूब जाए। इसके बाद मैंने अपने चारों तरफ सुरक्षा मंत्र का घेरा लगाया, क्योंकि शमशान में साधना करने से पहले हमें सुरक्षा मंत्र लगाना ज़रूरी होता है। इससे कोई भी शैतानी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके बाद मैंने अपने गुरु के द्वारा दिए हुए तेलिया मसान का मंत्र जपना शुरू कर दिया। एक बात मैं आपको और बता दूं कि तेलिया मसान करने में बड़े से बड़े साधकों की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि तेलिया मसान एक ऐसी साधना होती है कि जो इसको एक बार सिद्ध कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ब्रह्म राक्षस की भांति तेलिया मसान भी बहुत ही खतरनाक साधनाओं में से एक है, जो पूरे शमशान को जागृत कर देती है और साधक के लिए अपनी जान बचाकर भागना भी मुश्किल हो जाता है। और जो नया साधक होता है उसको तेलिया मसान सिद्ध करने में 11 दिन लग जाते हैं, लेकिन जो पहले से ही सिद्ध साधक होता है उसको केवल 3 दिन ही लगते हैं। इसके बाद मैंने साधना शुरू कर दी और साधना करते करते मुझे 2 दिन हो गए, लेकिन 3रे दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे कोई भी उम्मीद नहीं थी। 3री रात जब मैं साधना कर रहा था तभी उसी चिता में से एक आवाज़ आई, मूर्ख, मैं तेली नहीं हूँ, क्यों अपनी साधना को मुझ पर बर्बाद कर रहा है? मेरे पास की जो चिता है वो तेली की है, जा वहाँ जाकर अपनी मेहनत को सफल कर, क्यों गलत मार्ग का अनुसरण कर रहा है? आवाज़ के गुम होते ही जैसे मैं पत्थर में बदल गया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं बगल वाली चिता के सामने अपना आसन बिछाकर बैठ गया और फिर से वही क्रिया करके मैंने दोबारा साधना शुरू कर दिया कि तभी अचानक फिर से वही जानी पहचानी आवाज़ से शमशान भूमि एक बार फिर कांप उठी, और वो आवाज़ बगल वाली चिता से आ रही थी, दिल को दहला देने वाली हंसी की आवाज़। एक के बाद एक ठहाकों के साथ कुत्ते और सियारों की आवाज़ शमशान को हद से ज़्यादा डरावनी बना रही थी। अब मेरी हालत पागलों जैसी हो रही थी कि ये क्या हो रहा है। तभी आवाज़ थमी और फिर चेता से आवाज़ आई, मूर्ख बन गया रे तू, मूर्ख बन गया, तेरी साधना भंग हो गई, मैं सफल हो गया तेरी साधना को भंग करने में। बेवकूफ, मैं ही तेली हूँ जिसके चिता पर तू साधना कर रहा था, लेकिन तू मेरे चकमे में आ गया। मेरे कहने पर तू जिस चिता पर साधना कर रहा है वो तेलिया मसान साधना के लिए उपयुक्त नहीं है, जा चला जा यहाँ से, तू मुझे कभी भी सिद्ध नहीं कर पाएगा। ये सुनकर मुझे अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अपने चारों तरफ सुरक्षा मंत्र का घेरा लगाया हुआ था, अन्यथा वो तेलिया मसान मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। अब मैंने ठान लिया था कि मैं उस तेलिया मसान को जरूर सिद्ध करूंगा, और फिर मैंने काली 14 की रात को मैं उसी चिता के पास गया और फिर से वही क्रिया की, और इस बार मैं उसके बहकावे में नहीं आया और ठीक 3 दिन में ही मैंने तेलिया मसान को सिद्ध कर लिया।
तेलिया मसान सिद्ध करने के बाद तेलिया मसान ने मुझसे कुछ वचन लिया। वो वचन मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि वो केवल गुप्त ही रहे तभी बेहतर है। लेकिन एक बात और कि तेलिया मसान सिद्ध होने के बाद अगर हमें कभी भी उसे बुलाना हो तो हमें उसी कपाल के कान में बोलकर बुलाना होता है। उसको सिद्ध करने के बाद जब मैं रात को कपाल को अपने बगल में रख कर सो गया तभी मुझे दांत के कटकटाने की आवाज़ आने लगी। सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ठंड में अपने दांतों को कटकटाता है। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वही कपाल मेरे सिरहाने अपने दांतों को किटकिटा रहा था। तभी मुझे याद आया कि तेलिया मसान को सिद्ध करने के बाद उस कपाल को हमें शराब देते रहना होगा। जब मैंने उस कपाल में शराब डाला तब जाकर वो शांत हुआ। दूसरे दिन मैंने तेलिया मसान को अपने सामने बुलाया और उसे वही पुस्तैनी धन निकालने को कहा। इसके बाद तेलिया मसान तुरंत ही वो जगह चला गया और थोड़ी देर के बाद उसके हाथों में सोने और चांदी से भरे हुए 9 बड़े बड़े घड़े थे। ये देखकर मैं समझ गया था कि तेलिया मसान ने उस इफ्रित जिन्न को अपनी ताकत से हरा दिया। और फिर इसके बाद मैं उस जमींदार के घर गया और उसका पुस्तैनी धन उसे दे दिया, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। फिर जमींदार ने कहा, गुरुदेव मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, आपकी मदद से आज मुझे मेरा पुस्तैनी धन मिल गया। अगर मैं आपके किसी भी काम आ सकूँ तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो मैंने कहा, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं शमशान वापस चला गया। इसके बाद मैंने तेलिया मसान की मदद से कई लोगों की मदद की। तेलिया मसान वो सारी चीज़ें कर सकता है जो आम साधना सिद्ध करने के बाद भी नहीं कर सकते। इसी तरह एक वाक्य और हुआ। तेलिया मसान सिद्ध करने के करीब 2 महीने बाद एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई। जब मैंने उससे पूछा, क्या हुआ माई, तू क्यों रो रही है? तो उसने कहा, बाबा मेरी एक छोटी सी ज़मीन है लेकिन उसे एक जमींदार ने हथिया लिया है। हम लोग 5 सालों से मुकदमा लड़ रहे हैं लेकिन कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है और वो जमींदार पैसों के दम पर वो केस जीतने वाला है। बाबा मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी है तो गांव के किसी एक आदमी ने आपका पता बताया कि आप उन बाबा के पास चले जाओ, आपकी सारी समस्या का हल हो जाएगा। बाबा मैं बहुत उम्मीद से आपके पास आई हूँ। तो मैंने कहा, माई तू चिंता मत कर, तू ये मुकदमा जरूर जीतेगी। मैंने उससे पूछा कि कोर्ट की अगली तारीख कब है? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, बाबा अगली तारीख आज से ठीक 15 दिन बाद है, यानी कि 25 तारीख को। तो मैंने कहा, माई जा, इसी तारीख को तेरा फैसला हो जाएगा और ये मुकदमा भी तू ही जीतेगी। इसके बाद मैंने तेलिया मसान की मदद से उस बूढ़ी माई को वो मुकदमा भी जितवा दिया। दोस्तों तेलिया मसान की मदद से हम गड़ा हुआ धन, मुकदमा, जमीन जायदाद से संबंधित समस्याएं और भी बहुत सारी समस्याएं जिसे हम असंभव मानते हैं वो सारी चीज़ें तेलिया मसान की मदद से सफल हो सकती हैं। तो मित्रों बस यही था मेरा एक छोटा सा अनुभव जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरा ये अनुभव पसंद आया होगा। और अगर आप और चाहते हो कि मैं और भी अनुभव सूरज भाई के साथ शेयर करूं तो आप कमेंट में बताना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने भाई को सपोर्ट करो क्योंकि आपका भाई अब इसी तरीके और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ और स्टोरीज लाता रहेगा। और मैं देखिए रेगुलर भी हो गया हूँ, अपनी कहानियों को मैं हर 2-3 दिनों में अपलोड कर रहा हूँ। तो यार जब आप लोग सपोर्ट करोगे थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिलेगा तभी जाकर मैं और जल्दी जल्दी स्टोरीज अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड लव यू ऑल। दोस्तों आज की ये पहली कहानी हमें आरोही जी ने भेजी है जो कि बेंगलोर की रहने वाली हैं। तो आइए आगे की कहानी सुनते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। सूरज जी आज मैं आपको एक नई कहानी बताती हूँ जो कि मेरी नानी ने मुझे बताई थी।
तो उन्होंने बताया कि जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी तो एक साल के अंदर ही वो गर्भवती हो गई। उनकी शादी गांव में हुई थी, तो जब वो गर्भवती हुई तो उनसे मिलने गांव के बहुत सारे लोग आने लगे। साथ ही बहुत सारे लोग उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे थे। लेकिन कुछ देर के बाद उनके पड़ोस की एक औरत आई और वो मेरी मम्मी से मिलने के बहाने उसने एक मंगलसूत्र मेरी मम्मी को उपहार के रूप में दिया। मंगलसूत्र काफ़ी सुंदर दिख रहा था, जिसके कारण मम्मी ने उसे तुरंत ही पहन लिया और उस समय मम्मी का तीसरा महीना चल रहा था। लेकिन मंगलसूत्र पहनने के बाद ही मम्मी को एक हफ्ते में ही अजीब सा लगने लगा और मेरी मम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी। तो जब मेरी मम्मी ने दादी से बताया कि उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मेरी दादी ने कहा, अरे बेटी, ये सब प्रेगनेंसी के दौरान होता है। मैं आपको बता दूं कि मेरी दादी हॉस्पिटल में जॉब करती थी, इसलिए उन्हें इन सब के बारे में पता था। फिर कुछ दिनों के बाद मम्मी को रात में किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो कभी ऐसा लगता कि कोई दरवाजे को बहुत जोर जोर से पीट रहा हो। ऐसा उनके साथ लगभग 6 महीने तक चला और फिर 7वें महीने में मम्मी को रात में पेट में बहुत तेज़ दर्द उठा, तो मम्मी को लगा कि शायद आज रात उन्होंने खाना ज़्यादा खा लिया है, इसलिए पेट दर्द हो रहा है, तो टॉयलेट जाकर आती हूँ। जब वो आंगन में गई तो आंगन से थोड़ी दूर एक बड़ा सा इमली का पेड़ था, जो कि आज भी है। तो मम्मी ने देखा कि उस इमली के पेड़ पर एक औरत बैठी हुई है। ये देखकर मेरी मम्मी के मुँह से चीख निकल गई। उनकी चीख सुनकर जब पापा आए तो मम्मी ने उन्हें डरते हुए सारी बात बताई। जब पापा ने इमली के पेड़ की तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद मेरे पापा ने बोला कि लगता है तुमने अंधेरे में पेड़ की डाली देख ली होगी और कुछ नहीं, ये सब तुम्हारे मन का वहम है, चलो अंदर चल के आराम करो। फिर अगली सुबह मम्मी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मेरे पापा ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस इन्हें थोड़ी आराम की ज़रूरत है। घर आने के बाद मेरे पापा ने मम्मी से कहा, जया क्यों ना तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाओ, शायद वहाँ तुम्हें अच्छा लगे। और फिर ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद नाना और नानी मम्मी को लेने आए। जब मम्मी नानी के घर गई तो वहाँ उनको अच्छा लगने लगा, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनके शरीर का रंग चेंज होने लगा और धीरे धीरे उनके शरीर का रंग बिल्कुल गोरा होने लगा। तो मेरी नानी ने सोचा शायद ये प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है। इसी तरह एक दिन जब मेरे नाना अपनी ड्यूटी से घर वापस आ रहे थे तो मेरी मम्मी घर के आंगन के बाहर खाट पर बैठी हुई थी और उस वक्त मेरी मम्मी के शरीर का रंग बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। तो मेरे नाना ने नानी से बोला, अरे जया को क्या होता जा रहा है, दिन पर दिन इसका शरीर बिल्कुल सफ़ेद होता जा रहा है। तो नानी ने बोला, मुझे लगता है शायद ये प्रेगनेंसी के कारण हो रहा है। तो नाना ने बोला, मुझे तो लगता है ये ज़रूर कोई ऊपरी चक्कर है, और मुझे तो ये भी लग रहा है कि हमारी बेटी पर किसी ने काला जादू किया है। ये सुनकर मेरी नानी काफ़ी डर गई। तो मेरी नानी ने कहा, लेकिन हमारी बेटी पर काला जादू किसने किया होगा? तो नाना ने कहा, अब ये बात तो जया से ही पूछनी पड़ेगी। जब नाना नानी मम्मी के पास गए और उनसे इसका कारण पूछा तो उन्हें कुछ भी नहीं पता था। तभी मेरे नाना की नज़र मम्मी के उस मंगल सूत्र पर गई। तो मेरे नाना ने कहा, बेटी ये मंगल सूत्र तुम्हें किसने दिया है? तब मम्मी ने बताया कि हमारे पड़ोस में एक औरत रहती है और उसी की ननद ने ये मंगल सूत्र दिया है। तो नानी ने कहा, बेटी क्यों ना ये मंगल सूत्र तुम मुझे दे दो। इसके दूसरे दिन मेरी नानी वही मंगल सूत्र लेकर एक बाबा के पास गई। तो बाबा ने बताया कि इस मंगल सूत्र पर काला जादू हुआ है और इस मंगल सूत्र को जो भी पहनेगा उसका बच्चा उसी वक्त खराब हो जाएगा और धीरे धीरे करके वो कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि इस काले जादू से तुम्हारी बेटी के शरीर के अंदर का जितना भी खून है वो धीरे धीरे एक प्रेतनी पी रही है। ये सुनकर मेरी नानी उन बाबा के पैर पकड़ लेती हैं और कहती हैं, बाबा कुछ भी करके मेरी बेटी को बचा लो।
इसके बाद बाबा कहते हैं, तुम्हारी बेटी को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो प्रेतनी उस काले जादू के सहारे तुम्हारी बेटी के साथ कई महीनों से जुड़ी हुई थी और जिसके कारण तुम्हारी बेटी का काफ़ी सारा खून उसने पी लिया है। इसको ठीक होने में कम से कम एक हफ्ता लगेगा, इसलिए अभी तुम घर जाओ और हो सके तो तुम अपनी बेटी का इलाज करवाओ और इधर मैं पूजा पाठ करके उस काले जादू को ख़त्म करने का रास्ता देखता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मेरी मम्मी का खून बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था और उनका ब्लड ग्रुप भी ओ निगेटिव था, जिसके कारण सेम ब्लड ग्रुप का मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मेरे नाना नानी और मेरे पिताजी ने पूरे गांव में सबका ब्लड ग्रुप पूछा, लेकिन किसी का भी ओ निगेटिव नहीं था। और ठीक उसी दिन शाम को वो बाबा मेरी नानी के घर आए और उन्होंने कहा, बेटी चिंता मत करो, मैं इसका तोड़ जानता हूँ। और फिर कुछ पूजा पाठ करने के बाद उस बाबा ने वो मंगल सूत्र हवन कुंड में डालकर जला दिया। मंगल सूत्र के जलते ही वो प्रेतनी भी भस्म हो गई और वो काला जादू भी टूट गया। लेकिन जब मेरी मम्मी को बच्चा हुआ तो वो कुछ ही दिनों के अंदर मर गया, क्योंकि मेरी मम्मी के अंदर खून की बहुत ही ज़्यादा कमी थी तो उनके बच्चे को खून कहाँ से मिलता, जिसके कारण वो कमज़ोर पैदा हुआ और कुछ ही दिनों के बाद वो मर गया। मैं आपको बता दूं कि वो मेरा बड़ा भाई था जिसकी मौत हुई। इसके बाद मेरे दादा दादी, नाना नानी और मेरे पिताजी सभी घर वाले मिलकर उस औरत के पास गए और काफ़ी बहस हुई और फिर बाद में पंचायत ने फैसला किया और उस औरत को गांव से बाहर भगा दिया। इसके बाद सब कुछ सही हो गया और अब हम चार भाई बहन हैं और सभी बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं तो मैं ऐसी चीज़ों को नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ, अगर जब कोई औरत प्रेग्नेंट हो तब उस वक्त बड़े बुजुर्गों की बात हमें सुननी चाहिए, क्योंकि उस वक्त उन औरतों को बुरी शक्तियों से बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है। आई होप आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आइए सुनते हैं अगली कहानी, जो कि बिल्कुल खौफनाक है और ये दोनों कहानियाँ बिल्कुल रियल हैं, क्योंकि जो मैंने आपको पहली कहानी सुनाई ये बिल्कुल रियल स्टोरी है और ये जो सेकंड स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये भी बिल्कुल रियल है। तो आइए सुनते हैं। हेलो सूरज जी, मेरा नाम रिफा है और मैं न्यू दिल्ली की रहने वाली हूँ। जब से मैंने आपका चैनल विज़िट किया है तब से मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ और एक नया काम मिल गया है मुझे, रियल हॉरर एक्सपीरियंस स्टोरीज सर्च करने का। तो ये बात तब की है जब मैंने आपके बारे में अपनी फ्रेंड नेहा को बताया और मैंने उससे कहा, यार क्या तेरे पास कोई हॉरर स्टोरी है? तब उसने कहा, हाँ मेरे पास एक ऐसी कहानी है जो कि बिल्कुल सच्ची घटना है। आप यकीन करिए सूरज जी, जब मेरी दोस्त ने मुझे वो कहानी बताई तो मुझे सचमुच यकीन नहीं हुआ कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं। तो आज वही कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आगे की कहानी मैं नेहा के नज़रिए से बताऊँगी। ये बात तब की है जब मैंने 10th पास किया था और गर्मी की छुट्टियों में मैं अपनी मौसी के पास कोलकाता में गई हुई थी। मेरी मौसी के हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते थे और मेरे मौसा मौसी ने घर वालों के खिलाफ जाकर लव मैरिज किया था। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे, लेकिन कहते हैं ना कि माता पिता की बददुआओं को लेकर बच्चे कभी भी खुश नहीं रह सकते। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि माता पिता अपने बच्चों को कभी भी बददुआ नहीं देते, लेकिन अगर हम उनके दिल को तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो ऊपर वाला हमें कभी भी माफ़ नहीं करता। और शायद यही कारण था कि 15 सालों तक उनकी कोई भी औलाद नहीं हो रही थी। लेकिन मेरे मौसा जी मौसी को हमेशा समझाते कि तुम परेशान मत हो, ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है, वो जरूर आज नहीं तो कल हमें औलाद जरूर देगा। मेरी मौसी की एक बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका नाम निकिता था और वो भी शादीशुदा थी। लेकिन एक बात गौर करने वाली थी कि जब भी मेरी मौसी अपनी दोस्त को प्रेगनेंसी की खबर देती तो उसके 2 या 3 दिन के बाद ही उनका गर्भपात हो जाता, लेकिन रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल होता।
मेरी मौसी को यही नहीं समझ आ रहा था कि आखिर क्या कारण है कि हर बार मेरा बच्चा खराब हो जा रहा है। इसी तरह एक दिन मेरी मौसी की वही फ्रेंड निकिता आई और उसने आकर कहा कि यार मुझे ना एक अंडा चाहिए। और मेरी मौसी ने भी बिना कुछ सोचे समझे या बिना कोई सवाल किए उसे एक अंडा दे दिया। लेकिन मुझे ये बात बहुत अजीब लगी कि इतनी दूर से वो केवल एक अंडा मांगने आई थी। क्या उनके घर के आसपास कोई अंडे की दुकान नहीं है? फिर ये बात मैंने अपनी मौसी से पूछी, क्या मौसी जी आपकी दोस्त इतनी दूर से केवल एक अंडा मांगने आई थी? तो मेरी मौसी ने कहा, अरे बेटी हो सकता है कि शायद उनका हस्बैंड अंडा ना खाता हो, जिसकी वजह से वो चोरी छुपके मेरे से मांगने आई हो। ये बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा और मैं कुछ सोचने लगी। तभी मेरी मौसी ने कहा, अरे पगली इतना मत सोच। फिर इसी तरह एक दिन मैं, मेरे मौसा मौसी, हम लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तभी मेरी मौसी की वही दोस्त घर आती है तो मेरी मौसी ने कहा, अरे निकिता यहाँ अचानक कैसे आना हुआ, तुमने कॉल भी नहीं किया। तो निकिता ने कहा, अरे बहन क्या बताऊँ, आज मेरे पति से मेरी लड़ाई हो गई है और अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या आज रात मैं तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? तो मेरी मौसी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है बहन, ये तुम्हारा ही घर है, जब तक तुम चाहो यहाँ रुक सकती हो। लेकिन उस रात मुझे ये बात पता चली कि मेरी मौसी और निकिता ज़्यादा पुराने दोस्त नहीं थे, उनकी दोस्ती को यही कुछ एक या डेढ़ महीना ही हुआ था। खैर उस रात हम सब अपने रूम में सो गए और हाँ उस वक्त मेरी मौसी प्रेग्नेंट थी। उस रात मैं किचन के सामने वाले सोफे पर सो रही थी, तभी अचानक मेरी नींद रात के 3 बजे खुली तो मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज़ देखी कि निकिता के हाथ में एक अंडा है और उस अंडे के ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ था और उसने वो अंडा कुछ मंत्र पढ़कर फोड़ दिया। कसम से उस वक्त वो इतना ज़्यादा डरावनी लग रही थी कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। और मुझे पूरा यकीन था कि ये वही अंडा है जो उस दिन ये मांग कर ले गई थी। खैर मुझे तो ये बात पता थी कि कोलकाता में काला जादू बहुत होता है, पर उस टाइम मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये कर क्या रही है। लेकिन जैसे ही उसने अंडा फोड़ा था तो मेरी मौसी के पेट में अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने लगा। तभी मेरे मौसा उठे और जल्दी से डॉक्टर को लेकर आए। जब डॉक्टर आए तो हम सभी वहाँ पर खड़े हो गए, लेकिन उनकी सहेली निकिता वो धीरे धीरे हंस रही थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने न जाने मेरे मौसा से क्या कहा कि मेरे मौसा बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। इसके बाद से घर पर एक अजीब सी मनहूसियत फैलने लगी। इसी तरह एक दिन जब मैं छत पर टहलने के लिए गई तो मैंने देखा कि मेरे मौसा का परफ्यूम और रुमाल वहाँ पर पड़ा हुआ था और उसके ऊपर बहुत सारे गुलाब के फूल भी थे। और इसके बाद धीरे धीरे मेरे मौसा और मौसी के बीच में झगड़े होने लगे और इधर निकिता हर रोज़ मेरे मौसी के घर आती और मेरे मौसा जी का लगाव अब निकिता की ओर ज़्यादा होता जा रहा था। जिस मौसा ने आज तक कभी भी मेरी मौसी पर हाथ नहीं उठाया वो मौसा अब उन्हें मारने भी लगे थे और वो उन्हें बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते और उन्हें ताने भी देने लगे। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन मेरी मौसी के घर के बाहर दरवाजे पर उनको कभी लाल चूड़ियाँ, लाल सिंदूर, तो कभी टूटी हुई चूड़ियाँ, काला सिंदूर और जला हुआ दुल्हन का जोड़ा मिलता। ये सब देखकर मुझे डर भी लगता और मुझे निकिता पर शक भी हो रहा था। फिर एक दिन उनको दरवाजे के बाहर एक पान के पत्ते पर टूटा हुआ अंडा मिला और अब हर रोज पान के पत्ते पर टूटा हुआ अंडा मिलने लगा। और जैसे जैसे पान का पत्ता रोज़ रोज़ मिलता वैसे वैसे मेरी मौसी की तबीयत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी। उनको पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई थी कि डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे थे। इधर दूसरी तरफ मेरे मौसा की जॉब भी चली गई। कुछ दिनों के बाद मेरी नानी भी मेरी मौसी के घर आ गई। इसके बाद डॉक्टर ने कहा कि मेरी मौसी के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा है तो मेरे मौसा ने अब उन्हें डाइवोर्स देने को कहा, क्योंकि उन्हें तो अब निकिता से शादी करने का भूत चढ़ा हुआ था। धीरे धीरे सब कुछ खराब होता जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर दुनिया में बुराई है तो अच्छाई भी है।
मेरी मौसी की एक पड़ोसन थी जिसका नाम रानी अम्मा था, जो कि मेरी मौसी को बेटी की तरह मानती थी और वो बहुत बड़ी ज्योतिषी थी। उन्होंने जब मेरी मौसी का चेहरा देखा तो उन्होंने बता दिया कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू किया है। इसके बाद मैंने उस औरत से पूरी बात बताई कि कैसे उनकी सहेली एक अंडा लेकर गई और फिर हर रोज़ उन्हें दरवाजे के बाहर पान के पत्ते पर टूटा हुआ अंडा मिलता था, तो कभी लाल चूड़ी, लाल सिंदूर, कभी जला हुआ दुल्हन का जोड़ा। ये सारी बातें सुनने के बाद वो समझ गईं और फिर मेरी मौसी का इलाज 2 महीने और 10 दिनों तक चला। मेरी मौसी जैसे जैसे ठीक हो रही थी वैसे वैसे उनकी सहेली निकिता की तबीयत खराब होती जा रही थी और धीरे धीरे निकिता को ब्लड कैंसर हो गया। निकिता को पता चल चुका था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। फिर रोते हुए वो मेरे मौसी के पास आई और नानी और रानी अम्मा के सामने मेरी मौसी से माफ़ी मांगने लगी और उसने बताया कि उन्होंने अपनी मकान मालिक की मदद से काला चूड़ा नाम का काला जादू कराया है जिसमें मौत हो जाती है, डाइवोर्स हो जाता है और औरत कभी माँ भी नहीं बन पाती। फिर निकिता ने रानी अम्मा से कहा, मुझे इससे कोई दुश्मनी नहीं थी लेकिन जब भी ये अपने पति की बातें मुझसे बताती थी तब मुझे बहुत जलन होती थी, क्योंकि इसका पति हर रोज़ इसे अच्छे अच्छे कपड़े दिलाया करता था, इसके लिए बहुत सारे सोने के जेवरात और इसे बहुत सारा प्यार करता था। वो ये सारी बातें मुझे बताती, जब भी मैं ये सारी बातें सुनती तो मुझे बहुत जलन होती कि इसका पति इसे कितना प्यार करता है और एक तरफ मेरा पति है जो मुझे प्यार तक नहीं करता। और बस तभी से मैंने सोच लिया कि अगर इसका पति हमेशा के लिए मेरा हो जाए तो वो मुझे भी बहुत सारा प्यार करेगा, और यही कारण था कि मैंने उसके ऊपर काला जादू कराया। इसके बाद मेरे मौसा मौसी ने हमेशा के लिए कोलकाता छोड़ दिया और वो दिल्ली में आकर रहने लगे। मेरे मौसा को फिर से एक अच्छी जॉब मिल गई और आखिरकार उनके 2 बच्चे हो गए और वो दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। दोस्तों, ये काला चूड़ा एक बहुत ही खतरनाक काला जादू है और ये जादू उसको भी बर्बाद करता है जो ये जादू करता है। और इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे काले जादू हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और अगर आप भी अपना रियल हॉरर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे भेज सकते हैं।